हाय दोस्तों, आज हम हरे मसाले में झींगे और आलू का सालन बनाएंगे। और उसके लिए हमें चाहिए 1/2 किलो झींगा। इसे वॉश करके अच्छे से रखेंगे। मीडियम साइज के हम 5 आलू लेंगे। इसे कट करके पानी में रखना है। 2 चम्मच हमें तेल लेना है। ग्रीन मसाले में हम 9 हरी मिर्च लेंगे, 12 कड़ी पत्ता, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीने का पेस्ट लेंगे 1 टेबल स्पून, मीडियम साइज का एक लहसुन लेना है और एक प्याज लेंगे। अलग से हरा धनिया लेंगे थोड़ा सा कटा हुआ। कोकम लेंगे हम 6, 1 टीस्पून जीरा लेंगे, 1/4 टीस्पून हमें मेथी दाना और राई लेना है, 10 इसमें काला मिरी है, 2 टीस्पून हमें अक्का धनिया लेना है, 3 टमाटर लेंगे, 2 कच्चा टमाटर और 1 पका हुआ टमाटर लेंगे, नारियल का दूध लेंगे 1/4 हिस्सा निकाल के इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करके इसका दूध निकालना है, कसूरी मेथी लेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। सब में पहले हम मच्छी का मसाला पीस के लेंगे। मिक्सी जार ली हूँ मैं, कोई भी मसाला हमें भूनना नहीं है, मैं डायरेक्टली इसे पीसूंगी। तो पहले मैं इसमें जीरा ऐड करूंगी, धनिया डालेंगे, मेथी दाना, राय और काला मिरी ऐड कर देंगे, साथ में टमाटर भी डाल दूंगी। मैंने 2 टमाटर ली हूँ कच्चे वाले, तो मिक्सी में इसे डाल दूंगी पीसने में, और हम पका हुआ टमाटर बाद में ऐड करेंगे। बाकी इसमें प्याज डालूंगी, साथ में हरा धनिया भी डाल देंगे, लहसुन ऐड करूंगी, हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे, और इसमें से कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। थोड़ा सा कड़ी पत्ता हम मसाले में डालेंगे और थोड़ा सा सालन में ऐड करेंगे। पुदीने का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी इसमें। अभी हमें इसे बारीक पीसना है, अच्छे से बारीक करेंगे मसाले को। मसाला हमारा पीस के तैयार हो चुका है, बस इसी तरह से हमें बारीक करना है पूरा। अभी इसे हम रख देंगे और सालन बनाना शुरू करेंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई रखी हूँ, इसके अंदर तेल को ऐड करूंगी। तेल गरम होते के साथ हम कड़ी पत्ता ऐड करेंगे इसमें, साथ में थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ, और इसमें पीसा हुआ मसाला ऐड कर देंगे। मसाले को हमें अच्छे से भून के लेना है, क्योंकि हमारे मसाले कच्चे हैं, तो हमें मसाले को कम से कम 4-5 मिनट तक भून के लेंगे। धीमी आंच में लगातार चम्मच चलाते रहिए और मसाला भून के लीजिए। मसाले भूनते हुए हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मसाले का कच्चापन निकल गया है अच्छी तरह से, और ऊपर तेल आना भी शुरू हो गया। अभी हम बाकी की चीजें सब ऐड करते जाएंगे। हल्दी पाउडर डालूंगी, साथ में नमक मिलाएंगे स्वाद अनुसार, टमाटर ऐड करूंगी, मिला देंगे इसे। मसाले भूनते वक्त हमें मसाले का पानी भी ऐड करते जाना है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और मसाला भून के लेंगे इस तरीके से। साथ में इसमें कोकम भी ऐड कर दूंगी। इसे भी मिला देंगे। अभी हम इसमें झींगा ऐड करेंगे। और आलू भी ऐड कर देंगे। झींगे और आलू को अच्छे से मसालों में भून के लेना है हमें। 2-3 मिनट तक अच्छे से भून के लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करना, ज्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। अभी अच्छे से भून के लेना हमें।
मसालों के साथ में। तो पानी अभी ऐड नहीं करेंगे, बाद में ऐड करेंगे भूनने के बाद में। मसालों के साथ में हमारे झींगे आलू अच्छे से भून चुके हैं, आप देख सकते हैं इसमें अच्छा कलर भी आ गया। अभी हम गैस को मीडियम करेंगे और इसमें मसाले का पानी ऐड करूंगी थोड़ा सा। बस हमें इतना ही पानी डालना है। पहले हम इसे दम पे पकाएंगे 5 मिनट के लिए धीमी आंच में, ढक्कन से ढक के हमें पकाना है 5 मिनट के लिए पकाएंगे। सालन को पकते हमारे 5 मिनट हो चुके, ढक्कन को हटाऊंगी मैं। एक बार चम्मच से चलाएंगे, मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, इसमें खुशबू आना शुरू हो गया है। अभी इसमें हम नारियल का दूध ऐड करेंगे। साथ में पानी मिलाएंगे आधे कप के करीब। गैस को फास्ट करेंगे और इसे मिला देंगे अच्छे से। अच्छे से मिलाने के बाद हमें फिर से ढक्कन से ढक के इसे पकाना है 3-4 मिनट तक और पकाएंगे हम धीमी आंच में। सालन को पकते हुए हमारे 3 मिनट हो चुके हैं, एक बार चम्मच से चलाएंगे। सालन हमारा अच्छे से पक गया है। अभी हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। और साथ में हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ। मिक्स कर देंगे। सालन हमारा बनके तैयार हो चुका है। बस गैस को बंद करेंगे और इसे गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। हरे मसाले में हमारे झींगे और आलू का सालन बनके तैयार है। ये जल्दी बनने वाली रेसिपी है और ये बहुत टेस्टी लगती है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। और आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।